अगर आगे डिजीज स्प्रेड ही होगी तो फिर जो ना हमारे लिए उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर खुदा ना खासा खुदा ना खासा अगर कोई बंदा बारिश आने वाला पांच के निकल आता है तो जो उसके घर के पांच छह बंदे होंगे तो उसका कंटेक्ट उन्हीं के साथ होगा, तो फिर हमारे लिए उनको तलाश करना, उनको आगे मॉनिटर करना, मैनेज करना आसान हो जाएगा। अगर उसका जो है ना यानी कि एरिया ऑफ कंटेक्ट जो ना वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा लोगों से मिला है, तो फिर हमारे लिए उन कंटेक्ट्स को तलाश करना, फिर उनके पीछे जाना, एक तो हमारे रिसोर्सेज उसके ऊपर लगेंगे, दूसरा ये कि हमारे लिए मुश्किल भी बहुत हो जाएगा। तो इस तरह है कि मैं फिर साहब से अपने दूसरे अभी नुमाइंदों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपना मैसेज जो है वो पब्लिक के अंदर स्प्रेड करें कि आप लोग जो महकमा हेल्थ है उनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तावन करें कि जो हम लोग जिन लोगों को जो आके क्वारंटाइन का कहते हैं वो काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट करें, तावन करें, ताकि जो ना हम इस बीमारी के ऊपर काबू पा सकें। और बाकी अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ज़िले को सेफ रखे। तो ये है कि हमारा ज़िला अभी तक काफ़ी हद तक सेफ है, यानी कि हमारे दो सीपैट केस हैं, एक पहले वाला जो इंतकाल वाला था वो तो अल्लाह शुक्र है नेगेटिव आ गया। जनाब चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बजदार साहब की हिदायत पर तमाम वज़रा अपने अपने अज़ला में पहुँचे हैं और मैं भी इधर पहुँचा हूँ। इससे एक घंटा पहले एक मीटिंग हुई है, 11 बजे शुरू हुई थी, 11:30 बजे तो इख्तिताम पज़ीर हुई है। उसमें तमाम जो शोबे थे वो सारे इकट्ठे थे और मिल के एक दूसरे के साथ तावन करने